जो है गाड़ी इस्तेमाल करता था इन 60s एंड 70s, जबकि इंडिया उस टाइम पर इस्तेमाल नहीं करता था गाड़ी। हम अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो वो तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान ही ना धक्के से कर ही देते ना। केस विद आईफोन की, आईफोन आ रहा है 1.5 लाख का, तो उसके ऊपर 1.5 लाख पीटी अप्रूव करवाने का टैक्स है, ऐसे ही है तो पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के पैसे। बिल्कुल, लेकिन 1980 के बाद जो है ना हमारा मुल्क जो है ना वो नीचे आया और इंडिया ऊपर गया है। वजह हम इस वक्त जो है ना सियासी तौर पर भी बदहाल हैं और माशी तौर पर भी बदहाल हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो उनको ऑर्डर कम रिसीव हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, दूसरा अगर हम उनकी प्राइस चेक करें 23rd मॉडल की तो वो राउंड अबाउट 1 करोड़ प्लस जा रही है। मतलब हमें सैडली बट इट इज़ ट्रू, जो है सो है। अब पता नहीं पाकिस्तानी मुझे उड़ा के फेंक दे, लेकिन वो मेडिकल इंडस्ट्री देख लें आप, उनकी एजुकेशनल इंडस्ट्री देख लें, मोटर इंडस्ट्री देख लें आप, उनकी टेक्निकल इंडस्ट्री देख लें। पॉलिटिकली सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं है कोई भी एक तरीके से, हर जो है हमारे मुल्क में जो भी सरमायादार है वो इनसिक्योर है। इसके रेट जितना भी हाई क्यों ना है, हमारे जो इनकम टैक्सेस हैं मोटर्स की इंडस्ट्री के ऊपर वो उनकी एक्चुअल प्राइस के इवन 100% है। लाइक कुछ से कुछ वजह तो होगी। देखिए सेल्स इफेक्ट होने से पहले क्या हुआ है कि उनकी प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है। करंट जो अफेयर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकली अफेयर्स हैं, वो इस वक्त जो है ना किसी भी तरीके से काबिले कबूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, और सवाल ये है कि रिसेंटली खबर आई है कि किया मोटर्स अपनी डीलरशिप्स जो है वो पाकिस्तान से जो है वो बंद करें, क्लोज करें, आखिर इसकी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात तो हमारे मुल्क में जो है ना जो पॉलिटिकली सस्टेनेबिलिटी जो है वो नहीं है कोई भी एक तरीके से, हर जो है हमारे मुल्क में जो भी सरमायादार है वो इनसिक्योर है। मुल्क में अगर आप जब तक जो है ना कोई भी पॉलिटिकली सस्टेन नहीं करेगा मुल्क, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मुल्क को सस्टेन करना चाहिए, तभी ये चीज़ें जो है ना हम इन चीज़ों से क्राइसिस से निकल सकते हैं। लोगों का एतमाद जो है मुल्क के हालात की वजह से पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। ठीक है, जो सरमायादार हैं, जो सरमायाकार हैं, वो मुल्क में नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। हमारा डॉलर जो है आप देख लें कहाँ, हमारा रुपये की कदर कितनी नीचे चली गई है, डॉलर कितना ऊपर चला गया है। यही वजूहत हैं जो हम जो है ना आज तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं। आज हमने कभी सुना भी नहीं था कि ये हम ये लोगों से सुनते आ रहे हैं, ये ज़बान आम है कि जो है मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट करने के दाने पे खड़ा हुआ है। जब आपका आपके पास जो कहते हैं ना कि जो हमारे करंट जो अफेयर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकली अफेयर्स हैं, वो इस वक्त जो है ना किसी भी तरीके से काबिले कबूल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुल्क में जो है ना अभी जब तक कोई सियासी कुव्वत आकर 5 साल तक हुकूमत नहीं करेगी, जब तक ऐसा नहीं होगा। देखिए जी, मुझे इस न्यूज़ का इतना आइडिया नहीं है जिस तरह मैंने आपको बताया। मोस्ट प्रॉब्ली डीलरशिप्स क्लोज हुई हैं, ऑपरेशंस क्लोज नहीं हुए, और इंशाल्लाह ऑपरेशंस चलते रहेंगे। कुछ से कुछ वजह तो होगी। देखिए सेल्स इफेक्ट होने से पहले क्या हुआ है कि उनकी प्रोडक्शन इफेक्ट हुई है। ठीक है जी, उनका जो रॉ मटेरियल है जिसको हम CVD किट कहते हैं वो इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से उनको अपने प्लांट शट डाउन करने पड़े हैं सबको। ठीक है ना, अभी भी मार्केट में हर मैन्युफैक्चरर जो जितने भी कार असेंबलर्स हैं उनकी डिलीवरीज ड्यू हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, जी प्रोड्यूस एंड डिलीवर। ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि कस्टमर नहीं है, मार्केट में सेल्स नहीं है, सेल्स तो नई बुकिंग्स ही ड्रॉप हुई है, लेकिन जो पुरानी बुकिंग्स हैं वो तो अभी उन्होंने डिलीवर करनी है। बेसिकली द थिंग इज़, अगर हम देखें पाकिस्तान की मोटर इंडस्ट्री को, किया स्पोर्टेज आने से पहले मैं होंडा सिविक की बात करता हूँ, होंडा की, क्योंकि ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से काम करती, इन्होंने भी अपनी डीलरशिप बंद कर दी थी, क्लोज़ कर दी थी रिसेंटली। द रीज़न वॉज क्योंकि एक सोर्स के मुताबिक कि उनको 23rd के मॉडल के टोटल 8 उनको कस्टमर्स या ऑर्डर्स रिसीव हुए। एग्जैक्टली, बेसिकली द थिंग द गैप दैट इज कमिंग हियर इज के दो चीज़ें हैं, एक तो उनको ऑर्डर कम रिसीव हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, दूसरा अगर हम उनकी प्राइस चेक करें 23rd मॉडल की तो वो राउंड अबाउट 1 करोड़ प्लस जा रही है। मतलब 10 मिलियन प्लस एक गाड़ी के ऊपर बंदा लगा रहा है, इनवॉइस आ रही है 1 करोड़ 2 लाख। यस एग्जैक्टली। अब ना द सेकेंड रीज़न कि एक तो रेट उनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, अब द सेकेंड रीज़न इज के रेट जितना भी हाई क्यों ना है, हमारे जो इनकम टैक्सेस हैं मोटर्स की इंडस्ट्री के ऊपर वो उनकी एक्चुअल प्राइस के इवन 100% है। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर वो गाड़ी होंडा स्विफ्ट 23rd मॉडल आ रही है 60,000 की, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स वालों ने 60 लाख की, तो इनकम टैक्स वालों ने 40 लाख to 50 लाख उसके ऊपर इनकम टैक्स, उनका एक टैक्स मुकर्रर है उसके ऊपर ना। सेम इज़ द केस विद आईफोन की, आईफोन आ रहा है 1.5 लाख का, तो उसके ऊपर 1.5 लाख पीटी अप्रूव करवाने का टैक्स है, ऐसे ही है पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के पैसे। बिल्कुल ऐसे ही है।
अब जो किया वाले हैं माइट भी उनका क्लोजिंग का यही सीन हो कि उनको जो ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं या तो वो कम हो सकते हैं या जो उनका पाकिस्तान के अंदर इनकम टैक्स वाले बैठे हैं उनका इनकम टैक्स ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल ये ऑटो कंपनीज के बाद नहीं है, ऑल ओवर जितने भी हमारा बिजनेस है सारा जो है ना वो तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। ठीक है, वो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क हमारा जो है ना वो एक इनसिक्योर कंडीशन में है। ठीक है, हम इस वक्त जो है ना सियासी तौर पे भी बदहाल हैं और माशी तौर पे भी बदहाल हैं। अच्छा, यहाँ पर दो डिफरेंसेस हैं। हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर डीलरशिप आई है टेस्ला की, वो लोग 20 लाख में टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार जो है प्रोवाइड करेंगे वहाँ के लोगों को। यहाँ से डीलरशिप ख़त्म हो रही हैं, ऑफिशियल डीलरशिप जो है वो साइन हो चुकी है वहाँ पे, यहाँ पर वो ख़त्म कर रहे हैं, ये रीज़न क्या है? हम अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो वो तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान ही ना धक्के से कर ही देते ना किसी ना किसी तरीके से ही ना। बट द थिंग इज कि इंडिया इज नो डाउट फार मोर बेटर देन अस, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और ये रियलिटी है हमें सैडली बट इट इज़ ट्रू, जो है सो है। अब पता नहीं पाकिस्तानी मुझे उड़ा के फेंक दे, लेकिन वो मेडिकल इंडस्ट्री देख लें आप, उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री देख लें, मोटर इंडस्ट्री देख लें आप, उनकी टेक्निकल इंडस्ट्री देख लें, सब में वो हमसे बहुत आगे हैं। देखिए जी, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं सारी, ठीक है जी, और ये आज से नहीं है, पिछले 70 ईयर्स से हैं ये। पाकिस्तान जो है गाड़ी असेंबल करता था इन 60s and 70s, जबकि इंडिया उस टाइम पर असेंबल नहीं करता था गाड़ी। 90s में जो है वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, समझे, इंडिया के अंदर, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी मार्केट को पूरा बिल्डअप किया है, उनकी वेंडिंग इंडस्ट्री, ठीक है जी, उनके वेंडर। आज एक नया मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में अगर आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो हमारी जो वेंडिंग इंडस्ट्री है वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल, वो उस क्वालिटी की पार्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग तो भी बहुत दूर, उससे तो हम बहुत दूर हैं। ओके, ठीक है जी, असेंबली के लिए जो है कंसिस्टेंट पॉलिसीज कोई नहीं है, कभी हम रिग्रेशन गाड़ी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी इम्पोर्ट्स खोल देते हैं गाड़ी की, कभी हम बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो पिछले 3 साल थे जिसके अंदर एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने दोबारा बूम लिया था, इसको प्रिवेल करना चाहिए था। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर ये गवर्नमेंट चेंज ना होती, ये पॉलिटिकल टर्मोइल ना होता, तो ये इसको प्रिवेल करते हैं। देखिए, फिर भी कह रहा हूँ कि मुल्क में जो है ना वो इंडिया में से आगे, ये आप देखें कि 1980 के बाद जो है ना हम बहुत ऊपर जा रहे थे, एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, लेकिन 1980 के बाद जो है ना हमारा मुल्क जो है ना वो नीचे आया और इंडिया ऊपर गया है। वजह ये है कि आप इंडिया में देख लें कि कितने जो वज़ीर आज़म आए हैं वहाँ पर, जितने भी वज़ीर आज़म हैं, कितने उन्होंने कितने साल हुकूमत की है, वहाँ कभी माशाल्लाह का सामना नहीं हुआ वहाँ पर। अब जो आस्ते आस्ते जो है ना जो अपना नरेंद्र मोदी है वो आज जो है ना मकसद मुल्क को अपने क्राइसिस से निकालता हुआ लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर जो है ना इनसिक्योरिटी है, सियासी अदम इस्तकाम जब तक है मुल्क के यही हालात रहेंगे। क्यों कहते हैं कि जो ना कोई भी आगे लीडर आकर जो ना जो है सियासी अदम इस्तकाम को ख़त्म कर सकता है, मुल्क को आगे ले जा सकता है। जब तक ये मुल्क अभी इस वक्त जो है आप देख लें कि सियासी कुव्वतें या जो भी गवर्नमेंट है उस पर आवाम का एतमाद नहीं है, इनके ऊपर आवाम का एतमाद नहीं है। मुझे आप बताएं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है, इंसाफ कहाँ पर है? जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा वहाँ जंगल का कानून होगा। हमारे हजरत अली करमुल्ला वजह का कौल है कि जो है कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारे यहाँ पर इस मुल्क में नाइंसाफ़ी का निज़ाम है जिसकी वजह से हम जो है ना तरक्की ऊपर जाते हुए जो है ना पीछे आए, हम आगे जाते हुए पीछे आए, हमें रिवर्स गियर लगाए, और ये हमारे अपने जो है अपने हरकतों की वजह से है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हमारी जो लाइक एक किस्म की ना, अब मैं उसको एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हमारी जो मेजरमेंट्स हैं या उनका जो स्केल्स है ना वो इस तरीके से है कि हम जो भी चीज़ बाहर से मंगवाना चाहते होते ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर हम टैक्स इतना लगा देते हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाला जो खरीदने वाला है ना वो भी खरीदने से पहले 100 बार सोचता है, और वो जो कंपनी है वो भी अंदर आने से पहले पाकिस्तान में आने से पहले 100 बार सोचती है कि क्या वाकई मेरी ये चीज़ सेल हो सकेगी या नहीं। टेस्ला पाकिस्तान में आने का सोचेगी कैसे जब अगर वो गाड़ी ही अगर आ रही है 60 लाख रुपए की, और पाकिस्तान में तो टेस्ला का वैसे ही नाम है, उसका इनकम टैक्स तो टेस्ला की ओरिजिनल प्राइस से भी ज़्यादा आई गेस हो ना। तो पाकिस्तान में शायद एक वो आई गेस में एक यूट्यूबर देख रहा था, उसने एक टेस्ला खरीदी है, शायद वो भी शायद इंडिया के, आई हैव नो आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया 100% श्योर, बट द थिंग इज़ कि अगर टेस्ला पाकिस्तान में आती है, मुझे नहीं लगता कि आएगी, बट इंडिया में अगर वो आई है तो उनका इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल हमारा जो अनस्टेबिलिटी है, ये दैट इज़ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और दूसरा हमारे जो डिपार्टमेंट्स है ना, इंटीरियर डिपार्टमेंट्स और जो हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट, इनका ना लैक ऑफ
फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ एक किस्म का मेजरमेंट वाला सीन ना, मेजरमेंट इन द सेंस ऑफ के एग्जैक्ट पॉलिसीज वो उस तरह की नहीं बना रहे कि जो कि खरीद इम्पोर्ट करने वाली इवन फॉरनर कंपनीज को भी फैसिलिटेट करे और खरीदने वाले को भी. तो ये चीज़ है, अगर ये बेहतर हो सकती हैं तो ज़रूर टेस्ला भी आएगी, क्यों नहीं आएगी. और बिल्कुल ठीक है, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी हर तरफ, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है आपका, मतलब पॉलिसी चेंज हो जाती है, कस्टम्स चेंज हो जाते हैं, रेगुलेशन चेंज हो जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, फिर अनसर्टेनिटी है ना. अब अगर मैं सोच रहा था कि मैं अभी मैं 1 करोड़ रुपया या 1 मिलियन डॉलर का मैं बिजनेस करूंगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं क्यों करूंगा, मुझे आगे पता ही नहीं क्या होगा. देखें, लोगों को एतमाद दिलाना है अपने ऊपर, गवर्नमेंट को जब तक लोगों का गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं आएगा ये अदम-ए-इस्त काम रहेगा. गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी सियासी जो हैं अपना हमारे लीडरान हैं वो एक जगह बैठें, इस मसले का बैठकर हल निकालें कि हमें किस तरह तरीके से इस क्राइसिस से निकलना है. इस वक्त हम जो है ना आपस में जो है ना वो एक दूसरे की जो है ना कितने नफ्सा नफ्सी वाला आलम है, सियासी कुव्वत एक पेज पर है नहीं, सियासी अदम इस्तेकाम हुआ हुआ है, लोगों का जो है वो हमारे ऊपर जो है ना दूसरे जो ममालिक उनका हम पर एतमाद नहीं है, वो हमें अच्छा नहीं समझते हमारे अपने जो है ना हरकतों की वजह से. देखें, जब तक मैं फिर यही कहता हूँ कि जब तक ये सारे सियासी स्टेक होल्डर बैठ जाएँ, बैठ कर कोई फैसला करें ताकि हम इलेक्शन आएँ, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक मुल्क इसी तरह क्राइसिस में रहेगा. इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हमारा मुल्क जो है ना फिर कोई नई गवर्नमेंट आती है, लोगों का उस पर एतमाद होगा. जो सरमायादार होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव होता है, वो इन हालात में जो है ना अपना आके पैसा ही लगाएगा इस मुल्क में. जब तक पैसा नहीं आएगा, डॉलर्स नहीं आएंगे बाहर से, और तब तक यही हालात रहेंगे. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना.